नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेन ज्ञान में। आज हम बात करने वाले हावड़ा से न्यू दिल्ली के बीच चलने वाली मोस्ट पॉपुलर ट्रेन फॉर कॉमन पीपल पूर्वा एक्सप्रेस। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और साथ रेलवे न्यूज के लिए। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। अब दोस्तों, मैंने मोस्ट पॉपुलर ट्रेन फॉर कॉमन पीपल क्यों बोला इसके बारे में आपको आगे पता चलेगा जब पूरा आप इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। तो दोस्तों, अगर पूर्वा एक्सप्रेस की मैं बात करूं तो ट्रेन नंबर ऑपरेट करती है 12303/04 और 12381/82। इसमें से एक ट्रेन वाया पटना होते हुए जाती है और दूसरी वाया गया होते हुए जाती है। पूर्वा एक्सप्रेस जो है दोस्तों एक डेली सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि हावड़ा जो पड़ता है वेस्ट बंगाल में, वहाँ से न्यू दिल्ली जो हमारे देश की कैपिटल है इसके बीच चलती है। ये डेली एक्सप्रेस ट्रेन है जो कि करीबन 5 स्टेट्स कवर करती है, दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल को, इन सबको एक साथ कवर करती है। ये ईस्टर्न रेलवे जोन द्वारा देखरेख करी जाती है। तो दोस्तों, ये दो अलग अलग रूट से निकलती है तो इसके थोड़े टाइम्स में भी डिफरेंट है, एवरेज या स्पीड स्टॉप्स भी इसके थोड़े अलग हैं। तो अगर मैं बात करूँ वाया पटना होते हुए जो ट्रेन जाती है वो डिस्टेंस कवर करती है 1529 किलोमीटर का, वो भी 22 आवर्स में। इसके स्टॉप्स हैं 22, ये वाया पटना वाले रूट की बताया मैंने। और जो वाया गया होते हुए जाती है वो डिस्टेंस कवर करती है 1446 किलोमीटर का, वो भी 21 आवर 50 मिनट्स में, और इसके करीबन 20 स्टॉप्स हैं। ठीक है, क्लासेस की बात की जाए तो दोनों में एलएचबी रेक्स यूज़ होते हैं। बात किया दोस्तों इसकी कुछ हिस्ट्री में, तो ये इसके अंदर मतलब इतनी बहुत पुरानी ट्रेन है, राजधानी जो हावड़ा राजधानी थी उससे भी शायद पुरानी ट्रेन है ये, क्योंकि इसके अंदर पहले जो रेड कलर के डब्बे होते थे या ब्राउनिश कलर के डब्बे यूज़ होते थे, तो उस टाइम इस ट्रेन को स्टार्ट किया गया था तो उस टाइम इसमें येलो डब्बे यूज़ हुए। फिर धीरे धीरे 20s में आके इसके अंदर ब्लू कलर की लिवरी यूज़ हुई, मतलब ब्लू कोचेज यूज़ हुई जो ICF थे। फिर अब जाके इसमें LHB रेक्स लग चुके हैं, आई थिंक 2010 या ऐसे में 15 या 16 में से कुछ में इसके LHB रेक्स लगाए गए हैं, जिसमें से एक फर्स्ट AC का कोच। और दोस्तों, ये पात्र एक ट्रेन पहली ट्रेन थी, मतलब जो नॉन राजधानी ट्रेन हैं जिसके अंदर एक फर्स्ट AC का पूरा कोच था, बाकी सब में मिक्स था फर्स्ट AC का सेकेंड AC का। इस रूट की मैं बात कर रहा हूँ बस हावड़ा से दिल्ली के बीच में, तो इसमें एक फर्स्ट AC का कोच, 2 सेकेंड AC के, 3 थर्ड AC के, 11 स्लीपर क्लास, 2 जनरल अनरिजर्व, 2 EOG और 1 पेंट्री कार का यूज़ होता है। ऑपरेटिंग स्पीड की बात करूँ तो 70 km/h मिन इंक्लूडिंग हॉल्ट स्पीड है और 130 km/h मैक्सिमम है। रूट्स या हॉल्ट की बात करूँ तो 12303/04 जो है हावड़ा जंक्शन से निकल के, ये दोस्तों पटना वाया पटना वाली रूट का है, तो हावड़ा जंक्शन से निकल के बर्धमान जंक्शन, दुर्गापुर, आसनसोल जंक्शन, जेसीडी, कियूल, पटना जंक्शन, मुगलसराय, इलाहाबाद जंक्शन, कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ होते हुए न्यू दिल्ली पहुंचती है। अब मैं बात करूँ वाया गया जो ट्रेन ऑपरेट करती है 12381/82 की, तो हावड़ा से दुर्गापुर आसनसोल तक तो सेम आती है ट्रेन, उसके बाद फिर ये रूट डाइवर्ट होता है, फिर ये चली जाती है धनबाद, उसके बाद पारसनाथ, उसके बाद गया, फिर सासाराम से फिर ये मुगलसराय वाले रूट पर आती है, फिर वहाँ से ये चली जाती है सीधा वाराणसी, फिर इलाहाबाद, फिर कानपुर सेंट्रल, अलीगढ़ होते हुए फिर न्यू दिल्ली पहुँचती है। लोकोमोटिव की बात की जाए तो चाहे वो वाया गया होते हुए हो, चाहे वो वाया पटना होते हुए जा रही हो, उसमें दोनों में WAP-7 या WAP-4 का लोकोमोटिव यूज़ होता है, चाहे वो हावड़ा शेड का हो चाहे वो गाजियाबाद शेड का, वो बात की बात है। उसके दोस्तों से कुछ रीवा भी है तो उसमें से मैंने कुछ तो पहले बता दिए मगर कुछ बाकी है, मतलब कुछ इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स तो मैं आगे बताने वाला हूँ वीडियो के लास्ट में। टाइमिंग्स की बात की दोस्तों इसकी, तो 12303 जो है वो हावड़ा जंक्शन से हर मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे और सैटरडे को निकलती है सुबह 8:05 पे और अगले दिन न्यू दिल्ली 6:05 पे पहुंच जाती है। 12304 जो है वो न्यू दिल्ली से हर संडे, वेनसडे, थर्सडे और सैटरडे को 4 दिन निकलती है शाम में 5:35 पे और अगले दिन हावड़ा जंक्शन शाम में 6:58 पे पहुंच जाती है। तो दोस्तों, ये वाया पटना होते हुए जाती है। अब बात करते हैं वाया गया वाले रूट की, तो ये 12381 जो है हावड़ा जंक्शन से हर संडे, वेनसडे और थर्सडे को निकलती है सुबह 8:15 पे और अगले दिन न्यू दिल्ली 8:50 पे पहुंच जाती है। 12382 जो है वो न्यू दिल्ली से हर मंडे, ट्यूसडे, फ्राइडे को निकलती है शाम में 5:35 पे और अगले दिन हावड़ा जंक्शन 4:55 पे पहुंच जाती है। तो देखा जाए तो दोस्तों मेजोरिटी आती है पटना वाली रूट की, क्योंकि उस दिन ये ट्रेन चार दिन चलती है उस रूट वाया पटना होते हुए और बाकी के 3 दिन वाया गया होते हुए जाती है। अब दोस्तों इसके आते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के और इसके कुछ एक्सीडेंट्स भी हैं, तो
तो पहले आते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में। तो एक तो दोस्तों बता दूं कि ये मतलब बहुत अच्छी ट्रेन है आफ्टर राजधानी का है, तो राजधानी दुरंतों के बाद इसको ही प्रायोरिटी मिलती है। बेसिकली अब तो नहीं मिलती, बट जब स्टार्ट हुई थी ट्रेन तब से ज़्यादा इसको हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रेन को दी जाती थी अपने रन के लिए, बट जब से राजधानी इंट्रोड्यूस हुई, जब हावड़ा हुई, तो फिर हावड़ा को देने लगे इसको थोड़ी कम होने लगी, तो धीरे धीरे इस रूट पर इसकी प्रायोरिटी कम होने लगी। बट आज भी इसकी प्रायोरिटी है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल ख़त्म कर दी हो। जैसे संपूर्ण क्रांति या विक्रमशिला की प्रायोरिटी की मैं बात करूँ तो सेम इसकी भी प्रायोरिटी वैसी ही है। और ये पहले तो पहली ट्रेन थी इस रूट की जो इसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी मिली थी। तो ये कुछ इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट है। और इससे पहले मैंने आपको बता ही दिया जैसे कि इसकी क्या कहते हैं कैसे इसके कोचेस के हुए, कभी ट्रेन स्टार्ट हुई, कल मैंने आपको पहले बता ही दिया। तो आते हैं दोस्तों इसके ऊपर एक्सीडेंट या इंसीडेंट के ऊपर, एक्सीडेंट्स क्या हुए इसके। तो करीबन बात की जाए 14 दिसंबर 2014 की बात है, 12381 हावड़ा न्यू दिल्ली पूर्वा एक्सप्रेस जो थी, जो वाया गया होते हुए जा रही थी, मतलब हावड़ा से दिल्ली के लिए जा रही थी, वो डिरेल हो गई थी सुबह 8:27 पे। जब उसने हावड़ा स्टेशन छोड़ा, करीबन 8:00 पर टाइम था उसने छोड़ा, तो 8:27 पे करीबन 11 स्लीपर क्लास के कोचेज जो थे और एक पेंट्री कार जो था वो डिरेल हो गया था लिवाज कोई स्टेशन ऐसे कुछ नाम है स्टेशन का, उसके पास ये या उधर ही कोई इसका मतलब 11 कोचेज डिरेल्ड हो गई थी। बट ऑफिशियली के कहे तो या वैसे भी देखा जाए तो कोई किसी की मौत या कुछ इंजर्ड नहीं हुआ था, क्योंकि 8:15 का टाइम था और 8:27 हो रहे थे, करीबन 5-10 मिनट का अंतर, तो ट्रेन ने स्पीड नहीं पकड़ी थी, बहुत कम स्पीड थी, तो उस पर अगर डिरेल्ड भी हुई तो किसी को नुकसान नहीं हुआ था। और दूसरा इसमें एक तो ये था एक्सीडेंट जो इसका था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो में, तो इसमें मैंने बताया आपको कि पूर्वा एक्सप्रेस के दो रूट के बारे में कैसे क्या टाइम